मुझे डॉक्टर राजेश जी के लिए आपके बीच में चुनाव प्रचार के लिए आज आना था और मेरा मन भी था कि मैं भुसावल के अपने तमाम चाहने वालों से मुलाकात करूं। आप तक मेरी आवाज आ रही है ना वहां पर? बस मेरी बदनसीबी है और सरकार की बदमाशी यह है कि हमारे हेलीपैड को भुसावल के आसपास उतरने का परमिशन नहीं दिया गया, जिस वजह से 35 किलोमीटर दूर जैन हिल्स पे हमें अपना हेलीपैड पे अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा और मजबूरी यह है, क्लियरेंस ऐसा है कि हमें हर कीमत पे अगले 10 मिनट में यहां से टेक ऑफ भी करना है। मतलब हर तरह से महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान करने की साजिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि महायुति के लोग डरे हुए हैं क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपका अपना हूं डॉक्टर राजेश जी, राहुल गांधी जी के नुमाइंदे हैं, इनको कैंडिडेट बना करके राहुल गांधी जी ने भेजा है। आज जो मेरे साथ किया गया है, डॉक्टर राजेश जी के साथ किया गया है, ये सबके साथ यही करना चाहते हैं, तानाशाही के साथ महाराष्ट्र को चलाना चाहते हैं। मैं आज आपसे मुलाकात करने नहीं आ पा रहा हूं, ये मुझे भी बहुत इस बात का दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूं 20 तारीख को आप अपना एक एक वोट डॉक्टर राजेश जी को दे करके चुनाव जितवाइए, 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बदली होगी, यहां महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी होगी, उसके बाद मैं आऊंगा, फिर देखता हूं कि कौन सा कलेक्टर और कौन सा प्रशासन हम लोगों को रोकता है। 23 के बाद आऊंगा, प्रदीप पवार जी के साथ आऊंगा, डॉक्टर राजेश जी तब तक आमदार बन चुके होंगे, आऊंगा आपके बीच में, आपसे बातचीत भी करूंगा और एक दिन रुकूंगा भी, ये मैं वादा करता हूं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।